झुर्रियों मुआ से और काले दाग धब्बों को जड़ से खत्म कर देगा यह नुस्खा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक समय था जब झुर्रियों को बुढ़ापे की निशानी माना जाता था, लेकिन आजकल झुर्रियां होना आम बात हो गई है, क्योंकि झुर्रियां आजकल 20 की उम्र में भी होने लगी है। ढीली स्किन पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। झुर्रियों की समस्या सिर्फ फेस पर नहीं बल्कि हाथ पैरों और गले पर भी होती है। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में तनाव, नींद की कमी और अनुचित आहार अक्सर स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग झुर्रियों के इलाज के लिए लेजर ट्रीटमेंट भी कराते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आपके चेहरे की झुर्रियां हटाने का तरीका, झुर्रियां कम करने के उपाय और साथ ही बताएंगे झुर्रियों के होने के कारण। हम जो आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं इसकी मदद से आप बहुत ही जल्दी झुर्रियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको नीम की पत्तियां लेनी होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर ताज़ा नीम की पत्तियां लेनी है इस तरीके से, और इन्हें एक पीस कर आपको इसका पेस्ट बना लेना है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पेस्ट बना लेना है। फिर यहाँ पर आपको एक खाली कटोरी लेनी है और इस खाली कटोरी में एक चम्मच नीम की पत्तियों का पेस्ट लेना है और आधा चम्मच बाद में और ले लेना है। इस तरीके से दोस्तों नीम की पत्तियों का पेस्ट लेकर फिर आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ जो इसमें ऐड करनी होगी वो दोस्तों पूजा वाला कपूर, जो कि आप देख सकते हैं पूजा वाला कपूर हमारे चेहरे के पिंपल्स और धब्बों को हटाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमें यहाँ पर आधा पूजा वाला कपूर लेना है इस तरीके से, और इसे पीस कर इसका बारीक पाउडर इसमें हमें मिला देना है। तो आपको इस तरीके से इसका बारीक पाउडर बना के इसमें ऐड कर देना है। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, इनको मिलाकर अच्छे से, फिर दोस्तों इसके बाद में आपको हल्दी का पाउडर चाहिए जो आपके चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको यहाँ पर इतना चुटकी भर हल्दी का पाउडर इसमें ऐड करना है। दोस्तों आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेना है। तीनों चीजों को मिलाने के बाद में आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पर किस तरीके से लगाना है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इसे लगाने का तरीका है वो ये है कि आप रात को सोने से पहले अपने चेहरे को सादा पानी से धोकर साफ कर लें। आपको यहाँ पर फेस वॉश और साबुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों चेहरे को धोकर और उसे पोंछकर आप इस पेस्ट को उंगलियों से इस तरीके से लेकर अपने चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से दोस्तों ये आपको पूरे चेहरे पर लगा लेना है, फिर इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आप अपने चेहरे को सादा ठंडे पानी से धोकर साफ कर लें। दोस्तों आप इस नुस्खे को मात्र एक हफ्ते तक लगातार कर लें, एक हफ्ते के अंदर ही आपके चेहरे की झुर्रियां मुहासे और काले धब्बे जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।